नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशा, और सबसे पहले खबर आपको बताना है जहां मुंगेली के कुआ गांव पंचायत में WBM रोड के ऊपर कच्ची मिट्टी की सड़क बनाई जा रही है, जिस पर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खुलेआम हो रहे भ्रष्टाचार और सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने के मामले में सरपंच, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को बचाने की कोशिश में बीजेपी के नेता और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि उमाशंकर साहू उतर आए हैं। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने बीजेपी नेताओं द्वारा भ्रष्टाचारियों को दिए जा रहे संरक्षण को लेकर विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने जांच के लिए CEO जिला पंचायत को निर्देशित किया। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। काल में जो मनमाना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, अब उस तरह का बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये नहीं, अगर WBM के ऊपर मुरुड़ मिट्टी काम करके अगर इस तरह का भ्रष्टाचार अगर किया जा रहा है, इस पर तत्काल लगाम लगाया जाएगा। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी, और इसमें जो भाजपा के कुछ तथाकथित जो पदाधिकारी हैं वो सरपंच का बचाव करना चाह रहे हैं या मामले में लीपापोती करना चाह रहे हैं, तो आप आश्वस्त रहें, अब उनकी सरकार नहीं है, अब कांग्रेस की सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो भाजपा का पदाधिकारी हो चाहे हमारी पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है और गरीब मजदूर हर वर्ग की पार्टी है, और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी है। आज पूरा देश विदेश में मोदी जी के नाम है, तो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी और भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार कार्रवाई करेगी। इसके लिए चाहे आगे कोई भी आ जाए, संज्ञान में लेकर जो उचित कार्रवाई है पार्टी स्तर उसको भेजा जाएगा। जिला पंचायत को जाँच करने के लिए निर्देश दिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहित कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, जैसा कि राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी पर आरोप है कि वो भ्रष्टाचारियों को बचा रही है, कितनी इस पूरे मामले पर सच्चाई है? आपने पूरे मामले की तहकीकात की, क्या खुलासे हो पाए? देखिए, बिल्कुल इस बात में 100% सच्चाई है कि भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष उमाशंकर साहू है, सबसे पहले इस खबर को स्वराज एक्सप्रेस न्यूज ने दिखाया था, और खबर छपने के बाद जो तिल मिलाकर भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष उमाशंकर साहू है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनपद से लेकर जिला पंचायत के अधिकारियों पर भी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं होने के लिए दबाव भी बना रहा है। इसके अलावा वो सरपंचों को संरक्षण भी दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना मनरेगा में काम चल रहा है, और मनरेगा में लॉकडाउन के पीरियड में ग्रामीणों की स्थिति सुधारने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये रोजगार गारंटी योजना का काम चल रहा है, और केंद्र सरकार जिस तरीके से केंद्र पर आपको रोकना चाहिए, तो खुद बीजेपी के जिला अध्यक्ष, माफ कीजिए, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सागर सिंह जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सागर सिंह जी। जी धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आपकी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि वो भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। नहीं, दरअसल मामला ये है मैडम कि देखिए, अभी अभी क्या है, ये शिकायत सामने आई है कि मुरुम का काम कराया जा रहा है, मुरुम मिट्टी का। तो इसके बारे में मेरी हाल के अधिकारियों से बात हुई है, तो वो अभी क्या है, चूंकि अभी आपातकाल जैसा समय चल रहा है, तो उनको भी जानकारी बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाई है। लेकिन मेरा कहना बस यही था कि इसमें जो है वो कुछ भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है वो बचाव की मुद्रा में है कि वो कुछ सरपंचों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर गलत पाया गया, अगर घटना सही पाई गई है, तो इसमें कार्रवाई होना चाहिए। इसमें आपको किसी को, सागर जी आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बीजेपी के बचाव की मुद्रा में है, नाम बता पाएंगे? मंडल अध्यक्ष सुना हूँ, मंडल अध्यक्ष वो सरपंच के फेवर में उनका कुछ बयान जारी हुआ है। तो मेरा कहना यही है कि देखिए, इसमें आप ना इसमें कोई कुछ अगर काम, अगर ये सही बात है कि WBM रोड के ऊपर अगर ये मुरुड़ मिट्टी काम कराया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से तर्क क्या आ रहा है अब भी ये जानने के लिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष बीजेपी की भी जुड़ गए हैं शैलेश पाठक जी। बहुत स्वागत आपका शैलेश पाठक जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बहुत स्वागत आपका शैलेश जी। जैसा कि सागर सिंह जी जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उन्होंने हाल ही में इस बात को कहा है कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को बचाने की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ नाम भी उन्होंने गिनाए हैं, लेकिन पहले आपका तर्क जानना चाहेंगे। नहीं, बीजेपी वाले तो विरोध कर रहे हैं, पूरी विरोध जी, क्या कहेंगे आप? वो आप पर आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं नहीं, बड़ी पार्टी है, भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ती है।
सागर सिंह जी हमारे साथ दूसरी तरफ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सागर सिंह जी की बात सुन लीजिए आप पहले। जी सागर जी। जी मेरा कहना ये है मैडम कि आप पहले आप अभी से ये सहमत कर लीजिए कि वो सही है कि गलत है। आप जांच होने दीजिए, अगर वो गलत पाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आप पहले से कैसे बोल सकते हैं कि वो हम सही तो है? आपका तर्क जानना चाह रहे हैं। हमने ये नहीं कहा है, हमने वो बात कही है कि आपकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। आरोप की बात है, हम जांच और इन सब चीजों पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आरोप की बात कर रहे हैं। और आपने इसको कबूल किया ना कि आप आरोप लगा रहे थे? जी उसी आरोप की मैं बात कर रहा हूँ जी। आरोप मेरा ये था कि वो जो है वो बचाने का प्रयास कर रहे थे, वो बार बार बोल रहे थे कि नहीं सही काम है, जायज काम है। मेरा कहना ये कि ये आप तय मत करिए इसको, अधिकारियों को और जांच कमेटी को ये तय करने दीजिए। जो जांच करेगा अगर गलत पाएंगे तो कार्रवाई होगी, अगर सही पाएंगे तो स्वाभाविक बात है। मैं वही कह रही हूँ कि अगर त्रुटियां पाई जाएंगी तभी तो जांच होगी ना। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उस पर तभी तो जांच होगी ना, बिना बात के तो जांच नहीं होगी। शैलेश जी से इसी बात का तो जवाब दे रहे हैं। आपने कुछ ही देर पहले कहा था कि ऐसा आभास होता है कि भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है बीजेपी। आपने कुछ नाम भी गिनाए थे सागर जी, मैं सही हूँ ना? आपने थोड़ी देर पहले नाम गिनाए थे। जी मैं उसी उन्हीं के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैडम। उन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट ये दिया गया था कि सरपंच द्वारा सही कार्य कराया जा रहा है, तो मैं ये बोला कि भाई आप अभी से मत तय करिए कि वो सही करा रहे हैं। मैं तय नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं कही है। मैं सिर्फ पार्टी के आरोपों को आगे तक पास कर रही हूँ शैलेंद्र पाठक जी से, क्योंकि बीजेपी पार्टी के कुछ लोगों का इसमें नाम आ रहा है, तो उनसे सिर्फ इस पर राय जानना चाह रही हूँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की स्टेटमेंट। तो जान लीजिए पाठक जी से ही जान लीजिए। इस वक्त लाइन पे वो भी है, पाठक जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ पाठक जी से ये मेरा कहना है कि आपके जो मंडल अध्यक्ष जी हैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि वो सरपंच सही है या सरपंच का पक्ष लिया जा रहा है उनके द्वारा। तो मेरा कहना ये कि आप अभी से पक्ष की बात मत करिए, आप पहले मामले की जांच हो जाने दीजिए। मामले की जांच में अगर ये घटना सही पाई गई कि गलत काम हुआ है, WBM के ऊपर अगर मुरु मिट्टी कामिलम के द्वारा कराया गया तो मामला तो दूध का दूध पानी पानी जांच में हो जा रहा है। अभी से आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये मत कहिए कि सागर जी पाठक जी से जान ले। तो पाठक जी क्या जवाब देंगे सागर जी के बात का? नहीं दूध का दूध पानी पानी हो जाए, गलत हुआ चाहे किसी पार्टी को कार्रवाई होना चाहिए। शैलेश जी आपको सागर जी को जवाब देना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ लोग और उन्होंने कुछ देर पहले नाम भी गिनाया था, बीजेपी की तरफ आरोप लगा रहे हैं, वो इस पर कुछ जवाब नहीं देंगे आप? शैलेश जी जी कुछ कहेंगे नहीं जांच पर अटक गई है। हालांकि कुछ वक्त पहले सागर जी जिस तरीके से बीजेपी के कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे थे उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आक्रामक रुख में इस वक्त कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। हालांकि अब दोनों ही पार्टी की तरफ से जो तर्क निकाला गया है, जो बातें सामने आई हैं, वो जांच पर आकर के अटक गई हैं। यानी कि अगर भ्रष्टाचारी हैं और अगर बीजेपी इसमें सहयोग कर रही है तो ऐसे लोगों पर जांच होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या खुलासे हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेश जी आपका भी और दूसरी तरफ सागर जी आपका भी। तो राजिम के